हेलो एवरीवन, दिस इज साउथ खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के व्लॉग्स। एंड टुडे आई एम गोइंग टू मीट अ लेजेंडरी मैन, मिस्टर अख्तर खान, जिन्होंने अपनी लाइफ की 25 साल वाइल्ड लाइफ को दिए हैं। और इन 25 साल में जो उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, जो अचीवमेंट्स हैं उनकी, वो जानेंगे उनसे मिलकर। और उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं हम एक अनएक्सप्लोर्ड जगह पर जो वाइल्ड लाइफ से एकदम कनेक्ट है और जहाँ बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है। तो इस एडवेंचर जर्नी पर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस वीडियो में, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन टू रिसीव ऑल दी नोटिफिकेशन इन फ्यूचर। तो अभी टाइम बहुत हो चुका है, अगर हम टाइम से नहीं पाते तो सारी चीज़ें अधूरी रह जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बने रहिए और इस एडवेंचर जर्नी को आप इन्जॉय कीजिए मेरे साथ। तो चलिए, आई थिंक वी शुड लीव नाउ, लेट गो। फाइनली हम पहुंच गए हैं। चलिए, तो ये हमारी एंट्री द जंगल इन की, और ये हम आ गए अंदर। तो मैं हूं इस वक्त एक अनएक्सप्लोर्ड अनटच वाइल्ड लाइफ में, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, लेकिन इट्स नॉट लेस देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रिजर्व फॉरेस्ट बेशक हैं आसपास, लेकिन ये भी रिजर्व फॉरेस्ट से कम नहीं है जंगल। और इस वक्त मैं हूं द जंगल इन होम स्टे में, और इस जंगल इन होम स्टे को जिसने स्टार्ट किया है और जो बंदा पिछले 25 साल से इस जंगल के बीच रह रहा है, जिसने अपनी लाइफ के 25 ईयर्स इस जंगल के ही लिए कुर्बान कर दिए। बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो हमारे लिए वेल नोन है, फेमस हैं, उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इस सेगमेंट में जिन्होंने अपना बहुत कुछ जंगल को, इस वाइल्ड लाइफ को दिया, लेकिन लोग उनको पहचानते नहीं। तो आज मैं ऐसे ही लेजेंडरी मैन को अपने कैमरा में लेके आ रहा हूँ फ्रेम में, मिस्टर अख्तर अली खान साहब। प्लीज़ कम इन टू द फ्रेम। यह है मिस्टर अख्तर अली खान साहब, जो कि 25 साल लगभग हो गए हैं इस लाइन में आए हुए जी। और ये बेसिकली पीलीभीत टाइगर रिजर्व का हरिपुर रेंज है जी। और वही ये जंगल इन होम स्टे अब इसने स्टार्ट किया है। उससे इसके अलावा इनका कंजर्वेशन का आई थिंक काम है, और अच्छा जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व दोनों से ही आपका। इसके अलावा कुछ उत्तराखंड में भी काम करते हैं, उत्तराखंड में भी काम करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे व्यूवर्स को अच्छा लगेगा आपसे आई कॉन्टैक्ट करना। तो और मेरे ख्याल से बाकी बातें थोड़े अंदर अंदर चलते चलते करते हैं, होम स्टे को देखते भी रहेंगे और ये बातें भी अपनी शॉर्ट आउट करते रहेंगे। आइए जी। तो अख्तर भाई, ये आपको ये सारा प्लान कैसे हुआ? मतलब आप नॉर्मल से कमर्शलाइज एरिया में रहने वाले आदमी, फिर यहाँ हरिपुर रेंज में हैं, और बहुत मतलब 25 साल बहुत होते हैं कि आपने यहीं पे मुस्तकिल हैं इस वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए। क्या चल रहा है इस 25 साल में? असल में मेरा जो है वो कंजर्वेशन से टच जो है बचपन से रहा, है। ठीक है। मेरा गांव जो है शेरपुर कलां यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। ठीक है। तो 4-5 किलोमीटर जो है वो हम लोग क्या करते थे कि बचपन में यहाँ आ जाते थे जंगल में घूमने के लिए। ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके सबसे पहला मेरा जो जंगल से एक प्रेम जागा वो उसमें फोटोग्राफी के, उससे फोटोग्राफी के थ्रू शुरू में हम लोग फोटोग्राफी करते थे। आपको याद होगा याशिका MF2 नाम से कैमरा आता था, याशिका रोल वाला, उससे हम लोग लेके यहाँ फोटो वगैरह खींचते थे। ठीक है। तो शुरू में क्या होता था, उस कैमरे से हमें तितली का फोटो मिल गया या टाइगर के पगमार्क का फोटो मिल गया। पगमार्क का मिल गया। तो मुझे ये नहीं आइडिया था कि धीरे धीरे हम लोग इस
नेचर में इन्वॉल्व होते चले जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे कि हम उसमें निकल नहीं पाएंगे। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है, पिछले दो साल से जैसे मैं नेचर में हूँ, और ये नेचर सच में एक ऐसा मैग्नेट की तरह है कि आप एक बार जब इसके करीब आते हो तो इसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हो। अभी भी जो लोग वहाँ शहर में बैठे हैं, जो कमर्शलाइज जगहों में हैं, मॉल्स में गए मूवीज देखने, उनसे भी मैं कहता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही था, लेकिन आज मुझे अगर एक दिन की छुट्टी मिलती है, दो दिन की छुट्टी मिलती है, तब तो मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द पहाड़ों में, जल्द से जल्द नेचर में चला जाऊँ। और ये सच है, हाँ ये सच है, बाहर जगह जंगल में आप अगर एक बार नेचर के साथ इन्वॉल्व हो गए तो आप निकल नहीं पाओगे। ये मेरे साथ हुआ उसमें, तो शुरुआत में तो जैसे तैसे चलता रहा, मुझे लगा कि एक मुझे एनजीओ अपना बनाना है। तो 2003 में मैंने वाइल्ड लाइफ एनजीओ अपना बनाया है, टर्क्वाइज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, टर्क्वाइज वाइल्ड लाइफ जी, TWCS जी। तो एक एनजीओ बनाया और हम लोग जो है WWF इंडिया के साथ इन्वॉल्व हो गए, और प्लस हमारे साथ जो था पीलीभीत फॉरेस्ट डिवीजन। अच्छा, उस वक्त पीलीभीत फॉरेस्ट डिवीजन था, ये टाइगर रिजर्व नहीं था। हाँ, फॉरेस्ट डिवीजन था, टाइगर रिजर्व नहीं था। टाइगर रिजर्व 2014 में हुआ। तो उस टाइम के जो तत्कालीन जो DFO थे रमेश कुमार पांडे, ठीक है, तो हम लोग ने उनसे मुलाकात की कि शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ छोटे छोटे हम लोग को कार्यक्रम दे दिए कि आप ये अवेयरनेस के कार्यक्रम करो, जंगल वाले जो एरिए हैं वहाँ गाँव वाले जो जुड़े हुए हैं उनके बीच में जाओ, उन्हें ये बताना है, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे लगा कि जंगल की बहुत सी चीज़ें हैं जिसे लोग जानते नहीं हैं। अब कितने तरीके की यहाँ चिड़िया हैं ये नहीं लोग जानते हैं। मैंने जंगल वालों का जो इनका अपना वर्किंग प्लान है उसमें देखा तो चिड़ियों की संख्या उसमें दिख रही थी 150 के आसपास। और 150 के आसपास जो मेरा ये कंपाउंड एरिया है यहीं पर 150 के आसपास है। बात है। तो मुझे लगा कि ये चीजें जो है लोगों के सामने लानी जरूरी है। बिल्कुल। तो मैंने मतलब नेचर को एक उसमें पिरोना चालू कर दिया कि देखूं हमारे पास क्या, मतलब जो चिड़ियों की कितनी नस्लें हैं या फिर दूसरे जानवरों की कितनी नस्लें जी। तो मैंने लगातार खोज की और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बहुत कुछ खोज के दिया। 350 से ज्यादा चिड़ियों की जो मैंने चेकलिस्ट दी है विद फोटो में, 350 चिड़िया आपने खोजी जी, वो भी विद फोटोज। हाँ, लेकिन मुझे 20 साल लग गए इसमें, 20 साल लॉन्ग पीरियड, 20 ईयर्स, मतलब वो 25 साल जो हम कह रहे हैं इसमें 20 साल खजाना खोजा। हाँ, 20 साल में जो है, इसके अलावा जो है हमें 90 तरीके की जो है तितलियां खोजी। अच्छा। और बहुत सी चीजें जो जंगल वालों ने नहीं देखी थी, जैसे पेंगोलिन वगैरह है जी जी, पेंगोलिन मैंने खोज के दिया यहाँ। लोमड़ी है, लोमड़ी खोज के दी है यहाँ, जो इनके पास चेकलिस्ट में नहीं थी। बाकी टाइगर या लेपर्ड ये तो सभी लोग जानते हैं, सबके सामने है, वो तो आप रोड पे भी साइटिंग हो जाती है जी जी। तो फिर उसके बाद जो है मुझे लगा कि हाँ जंगल के पास में रहते हैं तो कुछ ऐसा किया जाए, तो मेरा ये था बना हुआ, हालांकि स्टार्ट किया था कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो कंजर्वेशन के लिए जब स्टार्ट किया था तो मुझे लगा कि इसको जो है अगर हम किसी तरीके से मतलब टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट बनाएं, क्योंकि यहाँ से आसपास जो है 6-7 किलोमीटर में जो है बायोडाइवर्सिटी बड़ी रिच है जी। बिल्कुल है। एक चिड़िया के बारे में आपको बताऊं, जॉर्डन बुशचैट नाम से होती है, जॉर्डन बुशचैट। हाँ, तो वो केवल आसाम में मिलती है, पूरे इंडिया में। ओके। और मैंने यहाँ खोजा है उसे। अच्छा। और एक श्योर साइटिंग में मैं उसे किसी को दिखा देता हूँ। हाँ, अगर कलकत्ता से भी एक आदमी आएगा कि मुझे वो चिड़िया देखनी है, उसके अलावा केवल आप आसाम में देख पाएंगे, पूरी इंडिया में के अलावा यहाँ है वो, यहाँ जाके एकदम पहले शॉट में दिखा के ले आता हूँ उसे, जॉर्डन बुशचैट। इसके अलावा हमारे पास और सी बहुत चीजें हैं, सांपों की इतनी नस्लें खोजी मैंने, लगभग 22-23 सांपों की नस्लें खोजी, रेप्टाइल्स पे बहुत काम किया जी। और रहा जो कंजर्वेशन के लिए मैं बताऊं, तो कंजर्वेशन के लिए हमारा काम जो है वो सबसे ज़्यादा गांव वालों के साथ रहा है, ठीक है। तो मैंने जो है शुरुआत में बच्चों के लिए एक टाइगर फ्रेंड नाम से एक योजना चलाई थी, तो हम उसमें बच्चों को जोड़ के और टाइगर के बारे में समझाते, नेचर के बारे में समझाते, तो उस परियोजना का नाम दिया था टाइगर फ्रेंड जी। उसे भी जो है आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया है, और WWF इंडिया जो है उसी योजना को बाघ मित्र के नाम से चला रहा है। ओके, बाघ मित्र के नाम से। हाँ, बाघ मित्र के, हालांकि शुरुआत मैंने WWF के साथ की थी और उस टाइम हमारे केवल जो थे मेंबर, स्कूल के जो स्टूडेंट थे वो रहते थे, तो 4000 के आसपास मेंबर थे उसमें, 4000 बच्चे जुड़े हुए थे उसमें, ठीक है। तो वो कंजर्वेशन के लिए काम करते थे। आज उसी वेस्ट लाइन पे जो है WWF इंडिया बाघ मित्र के नाम से चला रहा है, जो हमारे एरिया में लोगों को सपोर्ट करता है, जैसे आउट स्प्रे टाइगर वगैरह होता ना जी, उसके बारे में लोगों को बताना कि कैसा है, और जैसे कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया में पहुंचना, कैसे उन्हें बताना है कि हाँ ये टाइगर का पगमार्क है या कुत्ते का है, उसमें डिफरेंस नॉवल, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि खाली कुत्ते का पगमार्क मिल जाता है तो लोग ये समझते हैं कि लग रहा टाइगर आस पास घूम रहा है,
तो वो टाइगर फ्रेंड नाम से जो आज टीम काम कर रही है वो आज जाके बताती है कि हाँ ये जो है इसका कुत्ते का पाँव है या ये टाइगर का है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे कंजर्वेशन के लिए जो वल्चर पे भी प्रोग्राम चल रहे हैं, हाउस स्पैरो पे भी हैं हमारे। देख रही होगा हाउस स्पैरो के लिए मैंने वो सामने लगा रखा है पूरा। हाँ ठीक है, तो ये मैंने घर पे भी कर रखा है, मेरा जो घर है वहाँ लगभग 8-10 जोड़े वहाँ भी रहते हैं हाउस स्पैरो के। और इसके अलावा सारस के लिए भी जो है हमने सारस फ्रेंड नाम से करवा रखा है जी। और बाकी ये सेटअप आपने देखा है, ये सेटअप तो मैंने देखा। इस सेटअप के बारे में मैं थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूँगा कि बहुत से लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग जो वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं और वो चाहते हैं कि वो साइटिंग करें, जंगल में जाएं और रात को जंगल में ही ठहरें भी जी। तो लेकिन क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है लोगों की और जो हमारा गवर्नमेंट स्पेसेस हैं वो कम हैं, तो ज़्यादातर लोग ये पर्सनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज बाहर हैं। जैसे वहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, रामनगर में भी आपने जिम कॉर्बेट पार्क एक जैम है, वहाँ भी लोग जाते हैं। इसके साथ ये जो जगह है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसमें एक लिमिटेड अंदर एरिया है रुकने के लिए, तो लोग फिर बाहर होटल में रहते हैं, वही लग्जरियस लाइफ, वही लग्जरियस होटल, वही सारे क्या कहते हैं अकोमोडेशन। तो आदमी चाहता है कि जब मैं जंगल जाऊं तो मेरी फील जंगल वाला ही रहे। तो ये जो जंगल हिंद जो ये होम स्टे है अफ्तर साहब का, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये इससे बहुत कनेक्टेड है पीलीभीत टाइगर रिजर्व से, पूरनपुर रेंज है, हरिपुर का एरिया जैसे मैंने आपको बताया। और ये यहाँ का जो फील है ये बिल्कुल वही है जो फील जंगल के अंदर होता है। मतलब इसे आप ये कह सकते हैं कि रिजर्व एरिया में नहीं है लेकिन है वही, क्योंकि हमारे लिए रिजर्व एरिया होता है और अनरिजर्व एरिया होता है, लेकिन जानवर के लिए कोई एरिया रिजर्व नहीं है, वो जहाँ चाहे मूवमेंट कर सकता है। लेकिन हाँ, जब आप सेंचुरी में बाहर अंदर सफारी विजिट करके आओगे और बाहर आके यहाँ रुकोगे, और ख़ासतौर पर जब आप यहाँ नाइट स्पेंड करोगे, तो जो आवाज़ें हैं जंगल का, जो जंगल का जो एटमोसफेयर होता है, नीला आसमान बिना लाइटिंग के, वो सारी इधर उधर की आवाज़ें, वो फील, वो आपको वही मिलेगा। तो ये एक बहुत बेस्ट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे आपने जो रूम्स रखे हैं उसका लगभग क्या चार्ज रखा है? रूम्स का देखिए, जो हमारे मतलब जो लिस्टिंग हुई थी ना पीलीभीत टाइगर रिजर्व द्वारा जी, तो उन्होंने उसमें तो 2500 रुपये रख रखा ठीक है। और वैसे जो है हम जो लोग आते हैं रुकने वाला तो अलग अलग हिसाब से चार्ज कर लेते हैं। जैसे अगर कोई एकदम बिल्कुल चिड़िया वाला आदमी आ गया, उसे चिड़िया चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो हम उसे 1500 रुपये तक रूम दे देते हैं। जी, 1500 रुपये में जो है ठीक है। अगर कोई बंदा रुकता है आके तो उसे जो है मील इंक्लूड रहता है या एक्सक्लूड रहता है? नहीं, मील जो है वो बाहर रहता है, केवल जो है हम मील में आपको यहाँ वेजिटेरियन नॉन वेज दोनों है या वेज है? अभी तो फिलहाल वेज, अभी फिलहाल वेज है, और जैसे जैसे आगे ग्रो होगा शायद नॉन वेज भी मिलना, नॉन वेज भी हो जाएगा उसमें। और किचन अवेलेबल है? किचन अवेलेबल है। इसके अलावा जो है हम अभी मतलब अपने टूरिस्ट को जो है उसमें केवल ब्रेकफास्ट देते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं, ब्रेकफास्ट साथ में, बाकी आप जो है वो आप उसका अलग पे करेंगे, बाकी अलग पे करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है B&B में जो लिस्टेड है उन्हें ब्रेकफास्ट देना पड़ेगा। ये जो मेरे साथ जो अपनी ओपन सफारी खड़ी है, ये भी क्या आपकी उससे ही कनेक्टेड है? जी, अभी तो फिलहाल जो है कनेक्ट कर रखा है, लेकिन ये जो है अभी हम बर्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, बर्डिंग में इस्तेमाल, बर्ड वाचिंग के लिए। अगर जैसे अगर कोई पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आना चाहे, बुकिंग करे, तो वहाँ रुक, यहाँ आपके थ्रू बुकिंग हो सकती है या वहीं ही जाना पड़ेगा उसे? नहीं, आएगा यहाँ, हम जो है बुकिंग करा देते हैं, बुकिंग करा देते हैं यहाँ से फोन से जो है, क्योंकि जो यहाँ पर जितने भी, एक चीज और मैं बताऊँ, यहाँ जो गाइड वगैरह होते हैं उसकी ट्रेनिंग मैं ही देता हूँ। आप ही देते हैं? सब मैं ट्रेन करता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो ग्रुप है उसमें सारे गाइड जुड़े हुए हैं, एक मतलब फोन पे या एक जो है मैसेज पे ठीक है गाड़ी मिल जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों को बुकिंग बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ऑनलाइन भी कर रखा है, लेकिन ऑफलाइन में जो है मैं सीधे, अगर हम डायरेक्ट जंगल इनमें फोन करें और आपसे बात करें कि हम 2 दिन के स्टे के लिए आ रहे हैं फैमिली के साथ और हमें सफारी भी चाहिए, पूरा पैकेज आपको मिलेगा, पैकेज आपको मिलेगा, मतलब यहीं से डिजाइन हो जाएगा पूरा, आपको बाहर से प्रॉब्लम नहीं, बाहर से कुछ यहाँ ठहरना है, सफारी खुद बुक करना है, सब कुछ यहीं से प्लान हो जाएगा, अपने लंच ब्रेकफास्ट डिनर आपको यहाँ पर, सफारी करी फिर आप यहाँ आ गए, रात यहाँ स्पेंड करी और वाइल्ड लाइफ की गोद में जो कहते हैं ना। इसके अलावा हम शाम को बैठ के बातें भी करते हैं उससे, वाइल्ड लाइफ की इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ वो शेयर करते हैं। इसके अलावा जो और चीजें जो नई हैं कि किसी नई दिशा में लेकर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इससे जुड़ी हुई और क्या चीजें हैं जो आपके लिए अनदेखी हैं, जो अनदेखी हैं उसे हम दिखाना चाहते हैं, हम दिखा देते हैं कि ऐसे आप देखो उसे। ओके अख्तर भाई, तो थैंक्स फॉर कमिंग इन माय व्लॉग, थैंक यू वेरी मच, और हमें इतनी ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अभी हम यहाँ आसपास रहेंगे और मैंने यहाँ के उसको सीन्स दिए थे सिनेमैटिक, आप लोगों ने देखे ही होंगे कि यहाँ कितना अच्छे से मेंटेन कर रखा है, किचन वगैरह भी है, सब कुछ है। और बाकी तो जब आप लोग आओ तो यहाँ आइए, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में मिस्टर अख्तर साहब का नंबर मेंशन कर दूंगा और यहाँ उस पर आप बात कर सके, यहाँ की बुकिंग या अपने अंदर सफारी की बुकिंग आप कर सकते हो। तो
आई अश्योर यू कि आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अपना फ़ोन निकालिए, बुकिंग कीजिए, बस यही टाइम है। फिर थोड़े दिन के बाद जंगल सफारी बंद हो जाएंगी, जून के बाद से मेरे ख्याल से बंद होता है, 15 जून से बंद हो जाएगा। तो कुछ टाइम नेचर के बीच भी गुजारा जाए। तो बाकी हम लोग और जो कवर करेंगे आपका शेयर करेंगे, तब के लिए वीडियो में बने रहिएगा। ओके असल भाई, बहुत जल्द मुलाकात होगी, बहुत फिर आपसे। थैंक यू वेरी मच, बाय।